सोलन के जागरूक युवा अभय ने अश्विनी घाट नदी में सैकड़ों टन प्लास्टिक और गंदगी तैरती देखी तो अभय ने जागरूक होने का परिचय देते हुए नदी में तैरती गंदगी को तुरंत अपने मोबाइल में कैद कर लिया और फेसबुक पर अपलोड कर दिया ताकि जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार इस पर कोई कार्रवाई अमल में लाए और नदी नालों को प्रदूषित होने से बचाएं। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि जिला प्रशासन ने युवक की वीडियो को ही झूठा ठहराकर अपना पल्ला झाड़ दिया है, लेकिन इस खबर को मीडिया ने प्रमुखता से उठाया और हकीकत दुनिया के सामने रख दी। इस खबर पर एनजीटी ने कड़ा संज्ञान लिया और प्रदेश सरकार इस बारे में जवाब तलब किया। तब जाकर शिमला और सोलन जिला प्रशासन की नींद टूटी और दो दिनों बाद मौके का मुआयना किया। अब वह यह तलाश कर रहे हैं कि आखिर इस नदी में आखिर इतना प्लास्टिक आया कहां से, लेकिन अभी तक उनके हाथ बिल्कुल पूरी तरह से खाली हैं और आगे ऐसा ना हो इसके लिए अभी तक उन्होंने कोई कारगर कदम नहीं उठाए हैं। हालांकि अपनी नाक बचाने के लिए कार्यवाही के नाम पर नदी किनारे चल रही आधा दर्जन कैंप साइट को नोटिस जरूर थमा दिए गए हैं। इस खबर पर स्थानीय लोगों ने दुख जाहिर किया है और कहा कि प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन नींद से तभी जागता है जब एनजीटी कड़ा संज्ञान लेती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सफाई व्यवस्था देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश में और जिला प्रशासन प्रदेश में स्वच्छता को कोई अहमियत नहीं दे रहा है। यही वजह है कि प्रदेश के नदी नाले दूषित होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन जब तक स्वच्छता को प्राथमिकता नहीं देगा और उसके लिए सख्त नियम नहीं बनाएगा तब तक स्थिति सुधरने वाली नहीं है। और ये भी कहा कि फेसबुक वायरल होता वीडियो असली है नकली, इस बहस पर अपनी जिम्मेवारी से मुख नहीं मोड़ा जा सकता, बल्कि ये देखना चाहिए कि आखिर नदी में इतना गंदगी आई कहां से और कौन लोग इसके जिम्मेवार हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाकर एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। जी, ये बड़ा बड़ी दुखद है, बड़ी ही, मैं तो इससे बहुत ही आहत हूँ कि एनजीटी को आना पड़ रहा है, एनजीटी को इंटरवीन करना पड़ रहा है, उसके बाद ही हम जागते हैं। क्यों ऐसा हो, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और खेद है, दुख की बात है कि हमारी सरकार, हमारा प्रशासन स्वच्छता के प्रति इतना ना जागरूक हुआ है, ना इसको प्रायोरिटाइज कर रहा है। मैं तो ये आग्रह करता हूँ कि इसको प्राथमिकता में डाला जाए। जिला प्रशासन हो, ये जितनी भी स्वच्छता के लिए जिम्मेदार संस्थाएं हैं, हमारी कमेटी हो, हमने स्वच्छता के कार्यों को प्राथमिकता नहीं दी है। वी आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग द वर्क ऑफ क्लीनलीनेस एट ऑल। जबकि स्वच्छता नहीं होगी तो सीधा सीधा पब्लिक हेल्थ से खिलवाड़ है।